कैंटोनमेंट हवेली मुर्दाबाद मुर्दाबाद कैंटोनमेंट हवेली मुर्दाबाद 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 कैंटोनमेंट हवेली मुर्दाबाद 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 सारे व्यक्ति चांद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे कलरी कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करने ज्ञापन देने आए हैं। इसका उद्देश्य ये हम ये ज्ञापन लेकर आए हैं इसको ठीक सर हो गया ठीक सर। अन्नदाताओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में प्रमोद यादव जी के नेतृत्व में किस्मत भाई के नेतृत्व में बरेली के किसान बरेली कलेक्ट्रेट पे अपनी समस्या लेकर आए हैं। बरेली और भारत की संस्कृति में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि आप बहुत भूख से तड़प भी रहे हैं लेकिन पेड़ पर कच्चा फल है तो आप उस फल को नहीं तोड़ सकते। परंतु बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने कानून का सहारा लेते हुए कानून की आड़ लेते हुए मानवता और भारतीय संस्कृति को कुचलते हुए इन किसानों की खड़ी हुई फसल जिसमें खड़ा हुआ खीरा खड़ी हुई लौकी खड़ा हुआ बैगन खड़ा हुआ धनिया कुचल डाला उजाड़ डाला। जो लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए जो फसल तैयार कर रहे थे इस आर्थिक मंदी के दौर में इन किसानों से निवाला छीनने का काम भारत सरकार की शह पे कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने किया है। आज हम इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी की तरफ से और किसानों की तरफ से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देने आए कराया कि कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ थाने से जिसमें बिछी थाना था कैंट के थाने के लोग थे सीवन थाने के लोग थे और इन लोगों ने इनकी खड़ी फसल को उजाड़ दिया जबकि खड़ी फसल को किसी को भी हक नहीं है और इनको सूचना देनी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी तो जाके वो कुछ समय देना चाहिए था हमारे किसान भाइयों को। इन लोगों ने बगैर समय बगैर सूचना के तहत फसल को क्या कहते हैं जमींदोज कर दिया। अब इनके सामने एक बहुत बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है कि ये किसान जो है वो फसल के ऊपर ही आधारित है निर्धारित है और ये क्या कहते हैं अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे। इनके साथ में अभी मुन्नी बेगम है।